लोग बिग बाजार आना नहीं चाहते हैं क्योंकि शायद हम लोग का हजार का बजट हम दो हजार खर्चा करके जाएंगे उसको ब्रेक करना हम लोगों को बहुत साल लगे लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आई कैन टेल यू लाइक पावर ऑफ द हाउस हमेशा मदर इन लॉ के पास होता था एंड चाबी घर की किचन किसके हाथ में है वो डिटर्मिन करती है कहाँ से सामान लाना है देन वी प्लेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अगर मदर है उसकी डॉटर की शादी होगी हाउ डू वी मेक दम कम टूगेदर इन बिग बाजार बिकॉज आज भी डॉटरी जो डॉटर होती है वो मदर से पूछती है कि कहा से क्या सामान लेना है क्या सामान लेना है तो वी प्लेड ऑन दैट इनसाइट और सेकेंडली मैन स्टिल वॉज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम तो वीक डेज में घृहिणी आती थी घर में और देख के आती थी कि क्या लेना है बट संडे को हस्बैंड आके फाइनल सिलेक्शन करके पेमेंट वो करता था वी ऑल्सो थाट बिग बाजार एज अ पब्लिक प्लेस हम लोगों ने बच्चों को बहुत इंक्रेज किया बिग बाज़ार आने में हमने जो भी ट्रॉली की फोटो देते थे हमेशा बच्चों को बिठा के right. दिखाते थे दर लॉट ऑफ विजुअल क्यूज़ विच वी यूज टू क्रिएट पूरा परिवार आवे एंड शॉप साथ में करे बिफोर यू स्टार्ट द शो मुझे बताना है कि अगर आप एक 16 साल के राज को बोलते हैं कि वो कभी किशोर बयानी सर के सामने बैठेगा या उनसे मिल भी लेगा तो शायद वो बहुत हँसता क्योंकि मैं लाइफ में नहीं इमेजिन कर सकता था कि जिनको मैं इंस्पिरेशन जैसे देखता था जिनकी स्ट्रैटेजीज़ और तो थ्योरीज पे मैंने अपनी पूरी बिजनेस और कस्टमर इनसाइट्स की थ्योरी बनाई है उनके साथ मैं एक रूम में बैठ के अपने पॉडकास्ट पे उनको होस्ट करूँगा दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट पर्सनली फॉर माई लाइफ एंड आई जस्ट वॉन टेल यू कि यू नो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद तुम्हारे ड्रीम्स और गोल्स में नहीं होते हैं पर वो इतने बड़े होते हैं कि तुम उसे सोच भी नहीं सकते कि तुम कभी उसे पा पाओगे लेकिन अगर तुम काम करते जाओगे ना तो हो सकता है देर लगेगी पर सही होगा और तुम्हारे फेवर में ही होगा और इतनी सारी चीज़ें सब ये कोशिश में लग जाएंगी कि तुम उस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे पा सको अगर तुम काम करते जाओगे तो जस्ट रिमेंबर दिस वन थिंग हम सबके बैड फेजेज़ आते हैं हम सबके गुड फेजेज़ आते हैं उस टाइम पे तुम सिर्फ डटे रहे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि फेज़ खराब है जिंदगी नहीं होगा तो वही जो होना है और सही तरीके से होगा और तुम्हें सब मिलेगा इन्जॉय द शो बट बिफोर यू स्टार्ट दैट

मेरे को कुछ भी अड़ाया नहीं था ओके आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ़ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एंड आई यूश टू वॉच द एड्स ऑफ चराग डी डबल बुल एट दैट टाइम एंड आई वॉज अ सप्लायर ऑफ फैब्रिक्स टू दैम तो उनसे यही देखा कि वो लोग कैसे बिजनेस करते हैं उनके ऑफिस के बाहर बैठता था मैं बहुत आई यूश टू सप्लाई फेब्रिक तो पैसे लेने जाता था एंड hmm. उधर ही सीखता था बाहर बैठे बैठे दो दो तो तीन तीन घंटा बैठाते थे वो लोग huh. बाहर बैठ के समझो <laughs> कैसे धंधा होता है तो देट वॉज़ अ इंटरेस्टिंग पार्ट फिर लगा कि ये तो ईजी है तो आराम से सकते सकते कर सकते हैं अपने भी कर सकते <laughs> हैं <laughs> तो वही हुआ बिजनेस फिर ट्राउजर चालू हो गया तो अच्छा वही कि सारा कोई माल ही नहीं रख रहा था हमारा hmm. तो उन्हें बोला कोई माल नहीं रखता खुद की दुकान बनाते तो वैसे खुद की दुकान बनाई दुकान बनाई तो और सीखा है, तो उसके हर चीज़ में सीखने को मिलता है तो हम लोग भी आपके जैसे टेरिफ वो उस टाइम लर्निंग का एक कीड़ा था एंड हम लोग किताब पढ़ पढ़ के सीखते हमारे पास रेफरेंसेज ही नहीं थे रोल मॉडल भी नहीं थे एक भाई माने के सिवा कोई था ही नहीं तो रोल मॉडल भी नहीं थे

साल कोई ना कोई किताब क्या पढ़ा टेल मी दिस पैटर्न डिजाइन आई आई वाज अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग हैज बोथ बींगट साइड एंड द राइट साइड राइट साइड इज द क्रिएटिव साइड द विजुअल साइड द एस्थेटिक साइड लेफ्ट साइड इज द रैशनल लॉजिकल साइड एंड आवर एजुकेशन सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक साइड का सिखाते थे लोग आर्ट्स क्लास में आर्ट कॉलेज में जाते थे तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन था डिजाइन राइट साइड था तो लेफ्ट साइड में अकाउंटेंसी कॉमर्स रिसोर्स लोकेशन दोनों साथ में कोई नहीं सिखाता था एंड बिजनेस hmm. में दोनों की जरूरत पड़ती है तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा कुछ प्रोग्राम बना तो हमने एक प्रोग्राम भी बनाया एक्चुअली दो तीन स्कूलों में वी क्रिएटेड अ प्रोग्राम कॉल डिज़ाइन मैनेजमेंट ओके यू यूज बहुत ब्रेन ओ तो क्या हाईलाइट डिज़ाइन में जो आपने सीखा आपको लगा सबको सीखना चाहिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग द होल विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एस्थेटिक्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ब्रांड साइड प्रोडक्ट साइड क्रिएटिव साइड कलर एस्थेटिक्स आप बिज़नेस भी कैसे करोगे ना तो दोनों चीज़ की ज़रूरत है आपको पैसों की एक्सेल सीट भी चाहिए आपको बिजनेस प्लान भी चाहिए आपको मतलब यू नीड एवरी आपको अकाउंटिंग भी चाहिए बट बिसाइड अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर उनकी एथनोग्राफी उनका बिहेवियर हाउ द सोसाइटी इज़ गेटिंग फॉर्म हाउ इज़ द मैक्रो एनवायरमेंट व्हाट इज़ द कल्चर ये सब चीज़ें भी ज़रूरत है समझने को mm. सिर्फ सिर्फ नंबर से राइटिंग होता है एक उसका बुक पढ़ा है नवाल रविकांत नो no. वो बोलता है नवाल बोलता है कि हर स्टार्टअप को ना एक बिल्डर चाहिए और एक सेलर चाहिए सो so, तुम डिसाइड करो कि तुम कौन हो और फिर दूसरा वाला ढूंढते वही तो लोग को, को फाउंडर लाते राइट हाँ, राइट. बट एक ही में दोनों अच्छा एक ही आदमी में दोनों होना चाहिए ओके okay, सर so ये फिर आप डिज़ाइन पढ़ते थे फिर आपने पेंटेलून स्टार्ट किया वाट वॉज अ फर्स्ट मोमेंट जहाँ पे आपको लगा कि अब ये बहुत बड़ा होगा क्या कोई तो इंसाइट होगा जहाँ पे आपने देखा होगा या इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी देखी होगी उस टाइम पे कैसे स्पॉट किया कि अब मैं बहुत बड़ा गेम खेलूंगा मैं जब ट्राउज़र के बिजनेस में आया पैंटलून वॉज अ ट्राउजर ब्रांड तब ये हुआ कि इसको बेचना है तो एक एकडेंट विच है एक बॉम्बे की बांद्रा में एक बहुत बड़ी दुकान थी बड़ा रिटेलर था तो एक दिन उसने डिसाइड किया हमारी ऑफिस आएगा ऑर्डर देने तो हम लोगों ने तो दो तीन दिन से इतनी तैयारी की पूरी फैमिली लग गई कि एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसका ऑर्डर लेंगे वो आ रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है एंड <स्थिक्ष्थ> जब वो आया तो उसने आठ पीस का ऑर्डर दिया तो देट वॉज द बिगेस्ट लेट डाउन ऑफ़ आवर लाइफ एंड वी डिसाइडेड कि खुद की दुकान करेंगे तो ऐसे ऐसे घटनाएं होती है जो आपको फोर्स करता है नेक्स्ट चीज़ करने को नहीं तो फिर ब्रांड आपको क्या लगा पैंटलून में सही क्या था जो इतनी बड़ी ब्रांड बनी नहीं पहले तो हमने पैंटलून शॉप करके एक एक्सपेरिमेंट एक किया था ठीक है मेन्स वेयर की दुकानें बनाई फिर मैंस वेयर की दुकानें बनाई तो जब लोगों से कस्टमर से एंगेज करने लगे तो लोग लोगों के बच्चे हो गए शादी हो गई तो लोग फैमिली आने लग गई तो हमने बोला इंडिया में एक फैमिली स्टोर की जरूरत है तो, तो पेंथलून को फैमिली स्टोर के माहौल में मतलब वो प्रेजेंट किया हमने एंड देन वी ओपन आवर फर्स्ट स्टोर इन कैलकटा एंड उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला हम लोगों को और जब भी सेल लगाते थे, तो लाइन लगती थी तो हमने देखा कि सही समथिंग कुछ ना कुछ राइट हो रहा है जिस कारण से कस्टमर इज़ कमिंग बैक अगेन नए कस्टमर जुड़ रहे हैं तो लेट्स एक्सपांड दिस तो जब पेंथलूंस बना तो जब सेल लगाते थे, तो बहुत भीड़ लगती थी तो हमने बोला ऐसी कोई दुकान बनाई जाए परमानेंट यहाँ पे भीड़ हो तो तब बिग बाज़ार की कल्पना हुई थी ओके और बिग बाज़ार के पहले भी एक कॉन्सेप्ट चलाई सेंट्रल सेंट्रल हाँ मॉल या दैट वॉज अ कॉन्सेप्टी डेवलप बट वो आने में उसको टाइम लगा इट टुक मोर टाइम देन बिग बाज़ार बट बट बिग बाज़ार में था कि वॉल्यूम चाहिएगा नहीं तो यू सेल इट एट दिस प्राइस तो हमने सोचा साथ में तीन चार दुकानें खोलते हैं तो तीन दुकानें साथ में खोली उस टाइम बाईस दिन में और हर दुकान खोली तो लाइन लगी तो इट वॉज अ आइडिया वॉज के इंडिया को बाजार जो है बाहर उसको एक अच्छे एनवायरमेंट में लेके आते हैं तो बिग बाजार जब आपने स्टार्ट किया अपने वाला बाजार बनाना जहाँ पे साल में तीन सौ पैंसठ दिन भीड़ लगी रहे राइट बट बिग बाज़ार में एक मुझे याद है एक दिन होता था वेडनेसडे आई गैस कि इंदौर में बहुत बाद में आया हाँ मतलब इंदौर में जब खुला था तब वेडनेसडे होता था जहाँ पे हर कोई वेडनेसडे के लिए वेट करता था वेडनेसडे में सेल लगती थी महा बचा थे आया क्या नाम सब्जी और फ्रूट्स वो सस्ता बेचते थे क्यों ऐसे क्या एंसे? जो डेली नेसेसिटी है जिसकी कंजम्पशन हाई होती है हर दूसरे दिन तीसरे दिन घर में जो सामान लगता है उसके लिए कोई दिन बनाना था अगर वो वो प्रोडक्ट हमारे पास बोलो उस दिन लेने को आएंगे मतलब बाकी प्रोडक्ट लेने अगली बार आएंगे बाकी प्रोडक्ट को लेने आएंगे दैट वॉज आइडिया ओके कि बस किस तरह से रूम फिल करो नहीं वेनेस्डे को जैसे हम लोगों ने हमारा एक क्वाड्रेंट होता था बिजनेस करने का एक डेली नीड्स एंड डेली वांट्स एंड ओकेजनल नीड्स एंड ओकेजनल वांट्स ओके जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट होते हैं वो हर दिन कंज्यूम होते हैं कुछ ना कुछ नहीं. तो उसकी ज़रूरत हर दूसरे तीसरे दिन पड़ती है घर में तो इसलिए वेनेसडे क्रिएट किया गया कि वो वो प्रोडक्ट हम लोग बहुत सस्ता बेचते थे वेनेसडे को डेली नीड्स के ओके okay. तो फिर वो डेली वांट्स के लिए भी आएंगे ओकेजनल नीड्स के लिए भी आएंगे ओकेजनल वांट्स के लिए भी आएंगे एंड हर प्रोडक्ट कस्टमर को अक्वायर करने के उस टाइम यही तरीके थे तो ये तरीका ऐसा था करेक्ट मी इफ एम रॉन्ग कि डेली नीड्स का प्रोडक्ट जो जिस चीज़ को लेने के लिए आदमी तीन बार जाएगा हफ्ते में फॉर एग्जाम्पल उसको वेडनेसडे को अगर मैंने वो बिकाने के लिए अगर उसको सस्ते में बेच दिया तो वापस वो वो खरीदने दो दिन बाद मेरे स्टोर मेरे पास जाएगा और बाकी सामान बाकी सामान भी लेके जाएगा ओके इंटरेस्टिंग तो अब सुपरमार्केट्स की मेरे को सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताओगे कहाँ पर कहाँ पर सुपर मार्केट पैसे लॉस करता है एंड कहाँ पे सुपर मार्केट कैसे चीज़ों से पैसे कमाता है तो फूड में इतने पैसे नहीं बनते मार्जिन कम रहती है बट बाकी कैटेगरीज में पैसे बनते थे किस में सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं फैशन सो so, फैशन में वे डू पीपल लूज मनी आई थिंक फैशन इज द फैशन में एक प्लानिंग होती है कि ये ये प्रोडक्ट कितना बिकेगा और कितना फास्ट बिकेगा एंड ये अगर नहीं बिका तो इसको आप कितनी जल्दी डिस्काउंट में बेच के निकाल सकते हैं वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे फैशन में आप कुछ भी प्राइस कर लो थर्टी सिक्स टू थर्टी एट परसेंट डिस्काउंटिंग होती है एंड यू आर एज गुड एज योअर लास्ट सीजन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इफ़ यू गेट द ट्रेंड रॉन्ग आपका नेक्स्ट सीजन ख़राब हो गया अच्छा एंड सेकेंडली आपको रोटेट फास्ट करना पड़ता है स्टॉक्स तो फैशन के अपने न्यूनस हैं बिजनेस के नंबर ऑफ एस्के काफ़ी होते हैं एंड uh, इतने कलर्स में आप डील करते हो जैसे इतने साइजेज में डील करते हो एंड uh, आपको प्रोजेक्ट करना है कि इतना मैं बेच पाऊँगा एंड एवरी थिंग टू गेट इट राइट इज़ नॉट सो इजी तो जो राइट करता है वो सक्सेसफुल होता है बट इट्स मोर सप्लाई चेन गेम देन आई थिंक इट्स प्लानिंग इट्स प्लानिंग एंड मर्चेंडाइजिंग मर्चेंडाइजिंग मतलब मर्चेंडाइजिंग मतलब क्या माल क्या साइज सेट कितना बनाना क्या क्वान्टिटी बनाना कब लाना एक आपका माल अगर दस दिन लेट भी आ जाता है फैशन में अगर सीजन में नहीं पहुँचा यो कॉन गेटिंग इट राइट ऑन द राइट डे राइट प्लेस पे दुकान में आ जावे राइट पोजिशन पे लग जावे तो यू टू गेट मेनी मेनी थिंग्स राइट

सेवेंटी परसेंट क्रॉस मार्जिन सही है वो पर्सनल केयर में भी इतना ही होता है हाँ बट पर्सनल केयर में यू आर नॉट डीलिंग विथ सो मनी एस के यूज तो एक बार आपका ब्रांड एक्सेप्टेंस हो गया पर्सनल केयर में तो देन देर इज़ नो प्रॉब्लम हिल कीप ऑन रिपीटिंग बट इन केस ऑफ फैशन इफ यू आर फैशन इज गुड देन ही इज गोइंग टू कम एंड बाई अगेन एंड अगेन फ्रॉम यू एंड इफ इट्स नॉट गुड तो सत्तर परसेंट की वैल्यू कुछ नहीं है जीरो hmm. hmm. तो ये आप लोग बिग बाजार ऑफिस में या आप लोग साथ में बैठे फ्यूचर ग्रुप ऑफिस में यू वाइज नीड टू डिसाइड क्योंकि अब अगली कैटेगरी ये बनाएंगे और वो कोई साइंस तो होता होगा उसके बिहाइंड आई थिंक सभी लोग आइडिया लेके आते हैं कि क्या आइडिया है और पता चल जाता है बाजार में कुछ को, कोई बोलते हैं ना कोई कोई चीज़ निकलती है तो घुसर फुसर होती है hmm. आपका काम है उसको पकड़ना एंड उसको फिर बड़ा खेलना बिकॉज अपने साइज था स्केल था तो वी कुड प्ले विथ इट एंड एक आंख और कान खुले रखने पड़ते हैं बिजनेस में कहीं ना कहीं चर्चा होती है कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल मिलेंगे कुछ रेफरेंसेस मिलेंगे कुछ ना कुछ होते रहता है ओके एंड आँख और कान खुले रहेंगे तो आपको सब कुछ पता चलता है तो इज इट लाइक आप यूएस वगैरह के मार्केट देखते थे कि वहाँ क्या चल रहा है और इंडिया में हम लोगों ने कभी वो रेफरेंस पॉइंट इतना नहीं बनाया क्यों ऐसे आई थिंक इंडिया बहुत ही अलग मार्केट है बहुत ही अलग मार्केट है यूएस क्या डिफ्रेंसेज हैं एक दो डिफरेंस बताओगे क्योंकि आई टेल यू स्टार्टअप्स में क्या होता है लोग बोलते हैं यूएस में ये स्टार्टअप बना है तो इंडिया में बनेगा

वी आर अ वी आर अ वी आर वेरी कल्चर ड्रिवन वेरी कास्ट ड्रिवन कम्युनिटी ड्रिवन और वहाँ पर बहुत होमोजूनिटी है इंडिया इज़ अ वेरी हेट्रोजनियस मार्केट सेकेंडली देट मार्केट हैज़ बीन बिल्ड अराउंड कंजम्प्शन एंड दे एव लिव्ड इन अबंडेंस एंड आई थिंक वी एव लिव्ड इन शॉर्टेजेस तो इंडिया में तो डायलॉग भी ऐसे है ना जितनी ही चद्दर उतना ही पाँव फैला तो इंडिया के वी एर बिन बॉटअप इन अ वेरी डिफरेंट वे के कंज्यूम करना एक uh, अच्छी चीज़ नहीं है उसको बिलीफ को तोड़ना हम लोगों को बहुत टाइम लगा कि लोग हमारे यहाँ काफ़ी लोग तो हमारी सर्वे ये बताते थे कि लोग बिगुजार आना नहीं चाहते क्योंकि शायद हम लोग का हज़ार का बजट है हम दो हज़ार खर्चा करके जाएंगे hmm. कितने लोग तो इसके लिए नहीं आते थे कि ये दुकान में जाना सबसे वर्स्ट काम है क्योंकि हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा हाँ hmm. तो उसको ब्रेक करना हम लोगों को बहुत साल लगे टुडे आज की तारीख में कन्जम्पन का वो गिल्ट नहीं रहा जितना आई थिंक दस साल पंद्रह <laughs> साल पहले था कन्जम्पन में कोई ख़र्चा करके आता था इतना गिल्टी फील करता था आई वो बिलीफ सिस्टम अब छोटा अमेरिका में तो वो गिल्ट वाला सिस्टम ही नहीं है खर्चा करने पे उनको गिल्ट नहीं होता जरा भी नहीं है सो so, इंडिया में ये ट्रू है ख़र्चा करने पे गिल्ट होता है कि मैंने इतना खर्चा कर दिया ये कर दिया एंड यूजुअली लोग उस टाइम पे तो खरीद लेते हैं जब मॉल में जाते हैं या स्टोर पर जाएंगे नहीं जब हमने जब चालू किया था दुकान तो इट वॉज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आई कैन टेल यू लाइक टर्मिंग पावर ऑफ द हाउस हमेशा मदर इन लॉ के पास होता था अच्छा एंड चाबी घर की किचन किसके हाथ में है वो डिटर्मिन करते कहाँ से सामान लाना है एंड हम लोगों को वो ब्रेक करना नौ मदर इन लॉ को दुकान में लाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा काम था तो वी एयर टू वर्क ऑन दैट देन वी प्लेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अगर मदर है उसकी डॉटर की शादी होगी हाउ डू वी मेक दम कम टूगेदर इन बिग वो, किया वो? हाउ डू यू मेक दम मीट दैर एंड दोनों की शॉपिंग साथ में करें बिकॉज आज भी डॉटर जो डॉटर होती है वो मदर से पूछती है कि कहाँ से क्या सामान लेना है क्या सामान लेना है तो वी प्लेड ऑन दैट इन साइट सो हाउ डू यू प्लेन दैट विजुअल सब कॉन्शियसली आपको दिखाते हैं मदर का एन वी क्रिएट दैट एडवर्टाइजिंग फिल्म बनाते हैं तब वो इमेजरी दिखाते हैं तो यू कैच दशन ऑफ द मदर एंड डॉटर्स बस और सेकंडली मैन स्टिल वॉज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम एंड दे नेवर गिव द पावर तो वीकडेज में ग्रहणी आती थी घर में और देख के आती थी कि क्या लेना है बट संडे को हस्बैंड आके फाइनल सिलेक्शन करके पेमेंट वो करता था तो दैट वॉज अ वेरी टफ वन कि ओके यू वॉज नॉट विलिंग टू कम टू बिग गुजर टू स्पेंड एंड यू वॉज नॉट वॉन्टिंग इज वाइफ और देयर फैमिली टू गो टू बिग गुजर टू शॉप Deep. And Things Things have changed true. now. No, are so different now. That I can totally relate to this with my house. क्योंकि जब हम लोग बड़े हो रहे थे मुझे याद है कि मेरी mom मेरी दादी को लेके जाती थी साथ में क्योंकि decision at that time, उस time पे ऐसे काफ़ी दादी centric होता था और usually जस्टिफाइंग mechanism होता था ये कि अगर दादी ने डिसीजन ले लिया मेरी मोम के साथ तो फिर उनको hmm. घर आके जस्टिफाई नहीं करना ये क्यों लिया क्यों लिया क्या लिया बट यू नहीं तो ऐसे महीने महीने वेट करते थे कि पापा के साथ फिर जाएंगे और करेंगे अब थिंग्स हैव चेंज कम्प्लीटली अब मेरी मोम भी जाके सब कुछ भी शॉपिंग कर लेती कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट उस टाइम भी था एंड आई आई कैन अग्री टू दिस क्योंकि हम लोग जाते थे घूमने या बिग बाज़ार वॉज ऑल्सो वी ऑल्सो थॉट बिग बाज़ार एज अ पब्लिक प्लेस के वट डू डू ऑन वीकेंड्स जब हम लोग छोटे थे हमारे पेरेंट्स हमारे को सिर्फ टेम्पल ही ले जाया करते थे दैट ऑज अ पब्लिक स्प्लेस दैट ना पब्लिक स्पेस और पार्क चले गए कभी बट hmm. हमने सोचा कि बिग बाज़ार को एक पब्लिक प्लेस बनाना है सैटरडे संडे को लोगों को वहाँ पे बुलाना है एंड पीपल टू कम विद द फैमिलीज तो दैट काइंड ऑफ इमेजरी वी टू शो हम लोगों ने बच्चों को बहुत इंक्रेज किया बिग बाज़ार आने का हमने जो भी ट्रॉली की फोटो देते थे हमेशा बच्चों को बिठा के <laughs> दिखाते थे चल 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 मेरी ट्रॉली वैसे डायलॉग थे तो उस टाइम लॉट ऑफ विजुअल क्यूज वी टू क्रिएट के पूरा परिवार आवे एंड शॉप साथ में करे सो so, अभी बताओ कि बिग बाजार एज अ फर्स्ट रिटेल इन इंडिया इंडिया ने कभी ऑर्गेनाइज रिटेल नहीं देखा था What went wrong? What do you feel? What went wrong? Why it's there are no I big. I one can keep on uh, talking about what went wrong, but uh, we look at the positive in a way. We maintained the leadership for from the time we started. Hmm. We were up ahead of the curve in terms of uh, offering technology, customer proposition, and uh, I think during the journey of being the leader. I think we stretched our balance sheet in Stressed. hindsight. Stretched. Okay. Secondly, FDI was not allowed in retail, so we were not able to get FDI into the company as much uh, as much as we so want Foreign money. But investors who stem foreigners, nah. te, you can't go above a point. And lastly, in hindsight one can say that, but uh, kabhi kuch event ho jata hai, How do you if you don't have a strong balance sheet, you are not able to handle the COVID event. ओके okay. so, सो जब कोविड हुआ तो तीन महीने में भी लॉस्ट बिजनेस था सेवन थाउजेंड क्रॉस एंड टू रिकवर फ्रॉम दैट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बैंक लाइंस यू आर ओपनिंग ऑन यू आर वर्किंग ऑन बैंक लाइंस एंड एवरीथिंग गेट्स यू गेट इनटू अ जैम एंड एंड देन वी डिसाइडेड दो अदर ऑप्शन बट टू सेटल एंड सेल आउट एंड विच वी क्रिएटेड दैट के हम लोग को बी फाउंड अ शूटर वॉज विलिंग टू एंड विलिंग टू extinguish all the liabilities and continue it continue with it but that deal then got uh, into a legal issues and and then there is a whole story about how things didn't go the way we wanted it to go so we were caught in between two leaders of the world and things didn't work out the way we wanted so you sold it to one person or then we sold it to one person we sold it to Reliance, which is a public knowledge. And Amazon, because of their investment in us, they thought we were not doing right. And that went into a legal dispute. And then didn't allow that whole deal to consume it. Okay. It got delayed and delayed and delayed. And finally, the outcome was not best. So it is cleared now? Maybe still I think the dispute still continues, but nothing remains. Be fought over. That is the challenge. Okay, so with the whole The Company went yeah. into NCLT. Are, so that became the challenge. And then as a as a promoter, as a founder, what now what's for you? Like you got out of it completely or you're still in the middle of it? No, I as a promoter I have no role to play in the NCLT process per se as such. Consi a, process NCLT process. NCLT It's an insolvency process wherein okay. a Resolution professional comes in, he takes over the company and he tries to find a solution to the company. So okay. they have to play a role. We have to help them, assist them to make this happen. So that's our role, which mm -hmm. we are playing. So Iskiwad, what happens to now that the company is stuck? So what happens to a promoter? You can get out easily, you've gotten out, you know, it's a I think it's a journey it's a process and a journey which you have to go through. But can you do something else? your mind is always free to do anything else no no no. but like as a from a legal point of view you can get out you can start doing something else you can still we have it. to go through the process okay. after that one can do something and that process can go on to kitna time i think it's it's a new process for uh, me also we are also trying to understand as much but i believe it it takes some time couple of years let's see how jaldi how fast okay but till then what do you think demart kujita like why Demart won and is still winning right now, as of now. I think Demart. What uh, did they do right? I think the first of all, Demart ki sabse sab badi is hai simplicity. No, simplicity in the sense, uh, if you look at the promoter of Demart, uh, is a simple person, simple thought, simple. Uh, he lives in uh, white kappda, white they're like if I have to, I don't know what you wear first, trouser or a shirt. Mm -hmm. Trousers. So, trousers. That will determine what you wear on the top. Yeah. So, you have to take a decision still. Huh. He still wears white and white. So, there is no decision to be taken. <laughs> so, I think he's built his business around that model. That limited SKUs. Not too many variables. Very principle centered. Does fast talk turn around. And buys lot of property. Has always remained in neighborhoods. Not gone into malls. So, he has many no's to his decision. And uh, many, many knows is what has created him. Many and, knows ah uh, he is he will not do this, I'll not do this, I'll not do that, I will not do that and that's what has made him. and maybe in hindsight we had many yes, years right? <laughs> interesting. So and a very strong balance sheet, Very very strong in terms of real estate, very strong have, balance sheet yeah. And they started. देख दे रेज मनी दे स्टार्टेड की प्राइवेट मनी था कैसे स्टार्ट किया उन्होंने नहीं खुद के पैसे वेरी स्ट्रॉन्ग तो खुद के पैसे पहले जमीन खरीदी जमीन के ऊपर उन्होंने वो yeah. बनाया hmm. तो इट्स मोर लाइक रियल स्टेट बिजनेस आई आई डोंट थिंक थिंक सो इफ यू लुक द वे दे हैव यून अबाउट डूइंग थिंग्स इज वेरी 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 मेटिकुलस प्लान थॉटफुल नाउ लेट्स गेट टू द फेवरेट पार्ट ओके ब्रांड बिल्डिंग अब ब्रांड बिल्डिंग को ना मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ ठीक आपकी थ्योरी लेके इंडिया वन इंडिया टू इंडिया थ्री में क्योंकि इंडिया वन में जैसे ब्रांड बनेगी वो डिफरेंट है इंडिया टू में जैसे बनेगी और इंडिया थ्री में बनेगी वैसे डिफरेंट है डू यू अग्री विद दिस एब्सोल्युटली ओके डन सो इंडिया वन इज इनकम ग्रुप ऑफ कितना किससे अबव होता है लगभग अगर अपन इंडिया वन वुड बी आई वुड से हाउस होल्ड इनकम ऑफ एनी मेरा डेफिनेशन थोड़ा अलग इनकम ग्रुप में नहीं जाता है एनी बड़ी होता डोमेस्टिक हेल्प एट होम कुछ काम अपने हाथ से नहीं करते इंडिया टू इज़ अ सर्विंग क्लास पीपल हु हेल्प इंडिया वन टू लीड अ बेटर लाइफ द ड्राइवर द हेल्पर द मेड द प्यून द उ दॉचमैन द लिफ्ट इनकी सैलरी लगभग अपन लोग बना सकते हैं आई वु हाउस होल्ड इनकम मे लेस देन टेन लैक्सर ओके हाउस होल्ड ओवरऑल इन सिटी ठीक है छोटे शहरों में तो और भी नीचे ठीक है और एक इंडिया थ्री इंडिया थ्री इज लिविंग ऑन वोटिकॉल गवर्नमेंट एड्स अस्टेन एंड पॉवर्टी लाइन के ऊपर भी होए बट बेसिक्स पे है सो एट दिस पॉइंट मतलब इंडिया थ्री के लिए ब्रांड बनाना इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि उनकी डे टू डे बेसिक्स है तो है ही नहीं कॉन्वर्जेशन नहीं है सो लेट जस्ट पुट दैट अवे सो दो इंडिया को बन ब्रांड बनाते हैं इंडिया वन एंड इंडिया टू पर सो क्या डिफरेंस है इंडिया वन इंडिया टू में ब्रांड बिल्डिंग इंडिया वन जैसे बिग बजार भी था वो हम लोग इंडिया टू हम लोग लाने के लिए मतलब क्या होता होता था? वो, वो event होता था वो तो कि जो आपकी इच्छाएं हैं शॉपिंग करने की कोई भी चीज़ लेनी है उस दिन आ जाओ एकदम इससे सस्ती कभी नहीं मिलेगी सबसे जो आज के दिनों में बिग बिलियन डे और प्राइम डे बन गई है आ, जो उस टाइम चालू किया था तो इंडिया टू तब खरीदता है और इंडिया वन इज समी शॉप्स एट नाइन टाइम्स अयर डिस्क्रिप्शनरी आइटम्स तो अगर स्टार्ट से किसी को ब्रांड बनाना है इंडिया टू में तो क्या ध्यान रखना चाहिए किस कम फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी मोर देर माइट बी फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम यूजर ऑल्सो अब अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एन अ कैटेगरी एंड बट देर आर सम प्रोडक्ट्स विच कैन बी सोल्ड इन ह्यूज वॉल्यूम्स इफ यू गेट एवरी थिंग राइट ज वेरी इंटरेस्टिंग टू मीन विच आई थिंक वो इंडिया के इंडिया में बनती हुई वैसी ब्रांड्स बहुत स्पेसिफिकली सो so, साबुन ना बहुत लटर्ड मार्केट था और हम लोग सोच रहे थे कि साबुन में कैसे एंटर करें क्या है और हम लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया कि लोकल लोकल स्टेट में कौन सा है जो नेशनल प्लेयस को बीट कर रहा है एंड दैट वज वेरी इंटरेस्टिंग साबुन देट वी फाउंड आउट स्टेट में था यूपी में उसमें वो गंगा जल डाल के देता था hmm. तो साबुन विद गंगा जल एंड वो शायद थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड क्रॉस करता था राइट right? उस साबुन में सिर्फ गंगा जल था और उसका आइडिया क्या था कि मैं जब वो साबुन बनाता था साबुन बनाने के लिए पानी लगता है तो yeah. अगर पंद्रह टैंकर अगर पानी लगता है तो पंद्रह टैंकर में से वो दो बाल्टी गंगा जल डाल देता था उसमें मिक्स करने के लिए बाकी पूरे इसमें तो बता गंगा जल दिला साबुन है राइट right? और वो बहुत तेज़ी से ब्रांड बनी थी बड़ी

जीत गए डिस्ट्रीब्यूशन पे जीत गए मार्जिन ज्यादा देके जीत गए तो आप जीत जाओगे इंडिया बंद में कैसे जीतोगे क्या डिफरेंशियटर होना चाहिए इट मतलब है मतलब, मतलब सुबह पेन कैसा लगना चाहिए मेरे से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है एंड एंड सब लोग मेरे को आज पाँच लोग तो पक्का पूछेंगे और मैं फोटो पोस्ट करूँगा तो इतने लाइक्स तो आएंगे ये oh. तो ये ब्रांड कैसे प्रॉमिस कर सकती है यू स्टार्ट फीलिंग बाई कम्युनिकेशन ऑफ ब्रांड का फील लाइक दिस टॉक्स टू यू इन पर्टिकुलर वे दैट ब्रांड वेर यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट एंड यू स्टार्ट बिलीविंग के दिस हैज दैट एट्रीब्यूट एंड इट विल हैपन सो एज अ ब्रांड तुम प्राइस प्रॉमिस से ज़्यादा इमोशनल प्रॉमिस करो बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रामिस हेज इमोशनल एन इट टच इज एन इट अपले टू योर ईगो

It's what possible. is the biggest change you've seen with India then and India now? Big shifts. Big, big, big shifts. What formula work can't work now anymore? Yeah, subse major kya learning thing. I I think the medium of communication has totally changed. <coughs> That's a big, big shift. Today, how do you build a brand? Newspaper advertising koi television Dead television it has become fragmented to an extent wherein to get a big property. And to build a brand is very very expensive mm -hmm. and difficult so how do you now build how do you communicate how do you talk so and the medium of communication has become one to one significantly because when a dominant medium of communication changes everything changes around it i think the social media has changed the way we talk the way we communicate the way we express so to the rules of the engagement has totally changed so now content has become important

तो जो एक गैप है वो कि सब ब्रेक हो गया है टेलीविजन का रोल जो था वो चेंज हो रहा है थोड़ा सा अभी भी है आई थिंक इट्स इन द डाइंग फेज इट्स नॉट डर डाइड फुल्ली बट आई सी फाइव ईयर्स डाउन द लाइन सेवन ईयर्स डाउन द लाइन क्या होगा वन वे ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया वन को तो आप आज इंडिया वन को तो आप टेलीविजन के थ्रू कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे हाँ वो तो खत्म दैट्स अ बिग चैलेंज और सब इंडिया वन को एक साथ एक चीज दिखाना थ्रू कंटेंट इज डिफिकल्ट क्योंकि सब अलग अलग कंज्यूम करते हैं वेरी डिफिकल्ट सो दैट्स वेयर द रियल इशू इज राइट नाउ टू 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 बिल्ड अ अ ब्रांड आई वाज ट्राइंग टॉक लॉट ऑफ लाइक दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन सम डेटा लार्ज आई जस्ट टॉक टू लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स पच्चीस तीस लोगों से बात करके मैंने ये बात ही चल रही थी कि चार साल पहले तुम ब्रांड्स कौन सी यूज़ करते सकते हो चेंज मगर लोग चेंज चाहिए जो इतनी जैसे मुझे लगता है पर्सनल केयर बहुत ही ज़्यादा लॉयल्टी वाली कैटेगरी है कि मैं जो फेस वॉश यूज कर रहा हूँ अगर मुझे सूट हो गया hmm. तो फिर मैं नया ट्राई नहीं कर रहा हूँ मेरे को बहुत डिफिकल्टी होगी चेंज करके दूसरा ट्राई करूँ अगर मेरे को मान लो एक्स ऐसा प्रॉब्लम है और किसी फेस वॉश ने हटा दिया तो मैं नहीं चेंज करूँ hmm. बट लोग अभी वो भी कर रहे हैं ओके ओके टू टू जस्ट कीप स्विचिंग 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 नई नई चीज़ें हर थोड़े दिन में नया चीज हर थोड़े दिन में नया चीजन इंटरेस्टिंग ऑन जानी जाई जाती थी

क्या बड़ा बनेगा कंजम्प इंडिया द वेरी आप इंडिया को अपने ज़्यादा अब देखिए लिबरलाइजेशन नाइनटी टू के बाद हुआ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नाइनटीन सेवन या उसके बाद से शुरुआत हुई हुँ. है तो वी आर अ वेरी यंग नेशन इन दैट सेंसम्शन पैंतीस साल हुए हैं एंड पीपल बॉन्ड पोस्ट टू थाउजेंड और टू थाउजेंड प्लस इज हैविंग लेस गिल्ट ऑफ कंजम्पन तो अभी शुरुआत हुई है आई थिंक वी वॉन्ट थिंग्स टू बी वेरी फास्ट And we have a role model in US, which is also incorrect in a way. Hmm. The US as a role model is incorrect for India. I think we should compare ourselves to Thailand, Indonesia, and a lot of other countries rather than comparing ourselves straight to US. But they are smaller economies than us. Doesn't matter. Na? As a consumeristic society, one has to look at that kind of markets also. Which can be the best comparable? Uh, I think India, comparable. Is India is very different. Brazil, se compared hum compare Not at all.

यू कीप ट्रैवलिंग लॉर्ड ऑफ इंडिया और आपने बहुत ट्रैवल किया था जगह जगह जाके एंड वन एग्जाम्पल यू आर गिविंग की आप क्राउड मैनेजमेंट सीख रहे थे मंदिर में जाके राइट सो दैट वॉज वन इनसाइड तो टॉप थ्री स्टेट्स जहाँ पे आप गए और वहाँ पे आपने कुछ ना, कुछ ना कुछ सीखा इंडिया की स्टेट स्पेसिफिक इन बनारस बनारस थिंक हमारे यहाँ जो भी ज्वाइन करता था हम लोग सबको बोलते थे बनारस जाना है ठीक हर इंडिया को समझना है तो बनारस जाइए अच्छा इंडिया की रिटेल को समझना है तो बनारस जाइए उस टाइम पर बनारस में एक लाख विजिटर आते थे एवरीडे अब दो लाख आते हैं एंड बनारस वॉज अ प्लेस वेर लॉड ऑफ ओरिजिन्स वे म्यूजिक्स से लेके सम फॉन्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो सम काइंड ऑफ लॉर्ड ऑफ फूड एज़ ट्रेवल फ्रॉम बनारस टू एंड बनारस वेरी कल्चरल सिटी एंड आई थॉट रिटेल ओवर देर वॉज वेरी ऑर्गेनाइज एक स्ट्रीट में अगर अंडर गार्मेंट्स है तो एक स्ट्रीट में अंडर गार्मेंट्स ही मिलते थे तो इट वॉज़ व वेरी वेरी वेल डिजाइंड मार्केट एंड आई वॉज unbelievably fascinated by बनारस अगर इंडिया को समझना है तो बनारस देखना चाहिए अच्छा so anybody used to join us at a senior level लेवल सबको हम लोग बनारस भेजते थे आई यूज टू विजिट बनारस अ लॉट तो कभी कोई इंटरेस्टिंग इंसाइट देखा कुछ देखा आपने की मैंने मतलब मैं तो, दुकान, दुकान में दुकान में गाय देखा हूँ रेगुलर बैठती थी एंड कोई disturb ही नहीं करता था दुकान में गाय गाय बैठी रहती थी full time अच्छा दुकान के बाहर या या आई सॉ द बेस्ट मॉडल ऑफ एल्ट्रोइम इन बनारस के देर वॉज अ हमारे मित्र हैं जलान ब्रदर्स करके तो वो हर जो भी ट्रक आती है सब ट्रक ड्राइवर को एक प्राइस पे खाना देते हैं तो उनके यहाँ पे सबसे पहले सामान पहुँचता था बिकॉज उनके यहाँ खाना सस्ता मिलता था तो उनका जो देने की भावना थी एलेक्ट्रोजम एज अ बिजनेस मॉडल दे नीड नॉट एडवर्टाइज बट दे वर वन ऑफ द फाइनर रिटेलर्स आउट देयर जस्ट बिकॉज दे वर अ गिवर बैक टू द सोसाइटी एंड तो आपको हर जगह पर कितने लोग मिलेंगे सीखने को मिलेगा तो बनारस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक इट व मोस्ट फैसिनेटिंग सिटी ऑफ इंडिया तो आज भी जाना चाहिए एनी डे अभी भी बट विध टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न नथिंग चेंजेस नथिंग चेंजेस यू कैन लर्न इंडिया अभी भी आया वट अदर कोई आई थिंक इंडिया में एनी सिटी यू को बनारस के अलावा कौन सी सिटी ने आपको बहुत फैसिनेट uh, किया एवरी सिटी आई वुड से लाइक फॉर मी नागपुर एज अ मार्केट नागपुर एज सिटी क्या दैट डिस्ट्रिक्ट इज अ ऑफ फोर्टी लैक्स ओके एस्पीरेशन लेवल वेरी वेरी लो वन ऑफ़ द लोएस्ट इन द एंटायर कंट्री एस्पिशन एस्पीरेशन लेवल्स वहाँ की वहाँ के यंग लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते नहीं वहाँ से निकल जाते हैं तो एज अ पॉपुलेशन वाइज ह्यूज मिडल क्लास वेरी यूज बट एस्परेशन लेवल लोअर देन पुणे नासिक इंदौर से तो बहुत लोअ होंगे तो हाउ डू यू क्रैक दैट मार्केट एंड वाई इज इट सो लोट इट लो लो वहाँ पे द डोमिनेंट कम्युनिटी ब्रिंग्स यू डाउन दे आर प्यूरेस्ट दे डोंट वॉन्ट टू चेंज दे आर स्टिल डोमिनेटिंग दैट स्पेस तो दैट स्पेस द लाज द लार्जर ग्रुप हैजू बिकम द अदर प्लेयस अभी हो रहा है धीरे 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 हो रहा है एंड आई यूज टू गो दिफ्टीन ट्वेंटी ईयर्स हो गए इट वॉज़ वेरी डिफरेंट आई थॉट द वॉज नॉट अ सिंगल मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट एंटिल फिफ्टीन ईयर गोदे एक एक वजन मिलता था पूरे शहर में महाराष्ट्र नो इंडियन मतलब इंडियन मतलब <laughs> बस उस महाराष्ट्र तो मिलेगा ही हाँ, मिलेगा बट इंडियन एज अ तो वेरी डिफरेंट सिटी देन नाउ लाइक हैदराबाद एज अ सिटी हैज अनबिलीवेबली फैसिनेटेड मी क्या इट्स अ पंजाब ऑफ द साउथ एंड द कंजम्पशन इज एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ क्लोथिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मूवीज And it's it's today also, it's like the the way the city has transformed. There are two cities, I believe, who has d that changed the face of the entire cities, Ahmedabad and Hyderabad. Okay, what do you mean? Everything has changed. The landscape, the roads, the infrastructure, the the buildings, culture, the people. nightlife, the culture, the people. Un unbelievable change. Bangalore, we saw it changing. Hmm. So, nothing new.

Hmm. So city, wise, नहीं, to, तो, है नहीं ना, तो है और वर्कर क्लास है बीच वाली क्लास ही थी तो, तो आपको देखेगी बहुत बिक रही है लुधियाना में इतनी गाड़िया मर्सिडीज है, है बट मिडिल क्लास नहीं है चैलेंज इन पंजाब और कोई सिटी जो फैसिनेट करी पटना पटना कैसे कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है वहाँ पे आप कुछ भी खोल लो लाइक स्टारविंग एस्परेशन अच्छे हैं और पढ़े लिखे लोग भी है वर्ल्ड हिस्ट्री भी है थोड़ा कल्चर भी है पुराना तो हाइएस्ट डोमिनो जब पहली बार खुला तो हमने जब खोला भी उधर तो वापरे बाप हमने इतनी कभी क्राउड दिखाई नहीं और जो भी चीज़ नहीं खुलती है उधर इतनी मतलब उधर तो शॉर्टेज है हर चीज़ की ऐसा लगता है मतलब कुछ भी खोलो चलेगा तो वहाँ पे फिर वहाँ पे क्यों नहीं लोग खोलते हैं अगर खोल रहे धीरे 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 प्रॉपर्टीज़ का है ये है वो है कुछ ना कुछ है एंड वन सिटी विच इज़ ऑलवेज सरप्राइज मी एंड कलकत्ता कैसे इट्स सिटी निर्वाना बहुत जल्दी पहुँच गए थे वेरी कैलकाटा मीन्स आपको आपको वहाँ के कस्टमर की

बॉम्बे <laughs> क्यों वेरी एक्सपेंसिव वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड रेशियो टू द रेंटल यू पे लाइक यू पे वन रुपी रेंटल एंड यू डू एक्स रुपी ऑफ बिजनेस यू पे वन रुपी ऑफ रेंटल इन हैदराबाद एंड यू डू एक्स अमाउंट ऑफ बिजनेस बिकॉज यूर मार्जिन द सेम एवरीवेयर सेम थिंग इफ यू अप्लाई दैट फिलॉसॉफी बॉम्बे इज़ नॉट वर्थ इट एंड डू यू फील कि इंडिया में अभी भी ऐसा होता है जहाँ पे नॉर्थ में चीज़ें अलग बिकती है, में बिकती है वेस्ट में अलग मिलती है इसमें अलग मिलती है कुछ कुछ नॉन सीज तो ही है ही हैं अलग है नॉर्थ में दो में या तीन सीजन लगते हैं अपने तो बम्बे में तो सिंगल सीजन है एक ही सीजन है हाँ। तो कपड़े बेचने के लिए कपड़े पूरा के, स... के लिए योर स्किन केयर के लिए हर चीज़ में कंजम्पशन कम हो जाता है खाने में भी कम हो जाता है ना चेंज हो जाता है एक ही वेदर में और दो तीन वेदर में कंजम्पशन खाने का भी बहुत फर्क पड़ता है तो तीन वेदर खाने में ज़्यादा बढ़ता है

इंटरेस्टिंग और क्या डिफरेंसेज है बॉम्बे डेली में कपड़े क्या कपड़े इज वेरी डिफरेंट आई थिंक जब विंटर का क्लोथिंग इज लाइक सो दिल्ली है थर्ड वूमे सेकेंड वूमे इन बूट्स ना अब बस सीजन चालू ही हो रहा है hmm. और लोग सब तैयारी कर रहे होंगे नए खरीदने की या पुराने साफ सफाई हो रही है फैशन <laughs> कैपिटल <laughs> so uh, इंडिया का कौन सा होगा आई थिंक इन द नाइट इफ यू गो टू इन बॉम्बे

आई आई एम आफा बिलीव दैट वी ऑल वेंड टू थिंक बिग हाँ एंड बड़ा मत सोचो इतना बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है अगेन अ कॉन्टेजन थाट बट आई एम टेलिंग विध एक्सपीरियंस एंडम सो दैट इज वन थिंग सेकेंडली इज मेरिटोक्रेसीटोक्रेसी मतलब आई थिंक पीपलव ओनली

आप इतना ही चला रहे हो आप किधर कितना पैसा अलोकेट करोगे डू फील रिलीजन इज स्टिल पहले आई अगर अगरबत्ती जो प्लेयर्स होते थे वो बहुत बड़े बड़े बने थे एटलीस्ट इंदौर में से एक अगरबत्ती प्लेयर है जेड ब्लैक दे बिकेम रियली लार्ज दिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इन द कंट्री नाउ आई थिंक आई टी सी सी वही है आई टी सी से ऊपर है I don't know. हमने भी एक ब्रांड बनाया था प्रथा करके okay. बहुत सक्सेसफुल हुआ था सक्सेसफुल अगरबत्ती इन दिस कटेगरीज विच आर रिलीजियस बेस्ड मार्केट सभी का मार्केट है, है? मतलब और इज इट डिमिनिशिंग की इंक्रीजिंग क्या हो रहा है आई वु नो एज मच बट इट इज इट इज इंक्रीजिंग ओनली आई वु मोर देनग रिलीजन बीच में एक ट्रेंड आया था वेर पीपलियल हाँ मैं यही बोल रहा था बीच में एक ट्रेंड आया था मिलेनियके टाइम पे दैट पीपल वर चूजिंग नॉट टू बी रिलीजियस बट नाउ अगेन जेंजी विथ आर जनरेशन अगेन पीपल आर गेटिंग वेरी रिलीजियस अगेन

तो दिस इज़ लुक्स जो भी थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी होती है एक चीज़ है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स जो हैं वो रेयरली बड़े बड़े कोई एम बी एज या आई आई टीज़ में से आए हुए हैं सारे इंडिया के टॉप बिजनेस ओनर्स देख लो राइट यू आई यू डू गुड आई टी और एम बी राइट यू डिन ऑल्सो डू देट और अब जो नया ट्रेंड आया वहाँ पर सारे आई टी मोस्टली और आई एम्स वाले हैवी बिजनेस बनाते जा रहे हैं राइट स्टार्टअप स्पेसिफिकली सो वॉट डू यू फील की एवरेज कॉलेज क्या नहीं सिखाता है जिसकी वजह से एवरेज कॉलेज आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ कॉलेज और एनी थिंग एल्स आई थिंक इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग फंडिंग ओके टूडे वी सीज और प्राइवेटिक्लेयर वी सीज विल नॉट फंड एनी बडी हुटेड क्यू द प्रॉब्लम लास्ट दैम बिकॉज उनको भी टिक मार्क करना है उनको भी किसको दिखाना है दे आर ऑल्सो मैनेजिंग समबडी एल्स इज मनी दैट इज द प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो कि आई आई टीज आर ओनली पीपल गोइंग टू डू वेल टैलेंट सब जगह यू डोंट नीड टू बी हाईली एजुकेटेड टू भी वेरी सक्सेसफुल्स वेरी गुड टू हैव अ बैकग्राउंड एन अ पैडेगरी बट फंडिंग इज नॉट अवेलेबल टू पीपल हुर नॉट एजुकेटेड भले कितना भी अच्छा इंसाइट हो कितना भी बढ़िया बिजनेसमैन हो इट्स डिफिकल्ट टू गैट इट डिफिकल्टेट इट वी सी विल नॉट फंडिंग एंड टिपिकली बिकॉज उनको अपना टिक करने जस्टिफिकेशन okay. करने में इजी होता no, hmm. no है उनका तो दे वर्क ऑन रेफरेंस पॉइंटिंग मॉडल कहीं फॉरन में है क्या तो दे कैन इमेजिन ये पढ़ा लिखा तो दे कैन इमेजिन सो उनका टिकमार्क इज वेरी डिफरेंट एंड दे आर ऑल्सो डूंग्यूटी दे आर डूइंग जॉब्स अ गुड वे टू पुट आउट राइटिंग गुड वेट्स अ गुड लर्निंग फॉर लॉर्ड ऑफरप्रीनर्स ट्राई टू रेस

माइंड सेट के हमारे लाइक माय ग्रैंड फादर माइंडसेट सेट के जो जो ग्रैंड चिल्ड्रन जो सबसे ज़्यादा काम करता था लेट आता था घर में वो अच्छा है, <laughs> तो, मेरे में भी है। <laughs> तो वो एक जवाब आज भी ऐसा ही है जो स्टार्टअप ये लोग हैं जिनके नहीं ये लोग पूरा रात भर काम करते हैं छः घंटा सोए उनको उनकी इज्जत आई डोंट थिंक सो यू नीड टू वर्क सो मच सक्सेसफुल बट आई आई है पर्सनल से वेरी पर्सनल मानना है आई डोट नो आई एम राइट और रॉन्ग मे बी फॉर द यंगर जनरेशन दिस कैन बी ए विजडम ऑल्सो इज अल्टीमेटली द नंबर ऑफ आवर्ल पुट इन वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ याइफ टाइम इज गोइन टू द सेम आप अभी ख़त्म करो या बाद में खत्म करो ओह ओके इंटरेस्टिंग थाट मतलब मान लो हजार घंटे देने के लिए ah, तो आप अभी ख़त्म कर लो या बाद में ख़त्म कर लो क्योंकि अभी ख़त्म कर दिए बाद में काम नहीं करूँगा मैं काम मतलब होगा भी नहीं आपसे

And in a very meaningful manner. You can't burn it out now. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए आज मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ऐसे गेस्ट हमें और लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए क्योंकि ऐसे गेस्ट तो हम लाएंगे क्योंकि ये मेरे पर्सनल फेवरेट थे तो मुझे आज के एपिसोड में ये फीडबैक दो कि अगली बार अगर हम इतने सीनियर और इतने एक्सपर्ट इंसाइटफुल गेस्ट अगर लेके आएँ तो उनसे क्वेश्चंस क्या पूछें कैसे हम इस एपिसोड को और बेटर बना सकें ताकि हम आपके लिए बेहतर इन्फॉर्मेशन और बेहतर इंसाइट ला सकें थैंक यू सो मच यू नो वॉट टू डू किसी एक इंसान के साथ इस एपिसोड को शेयर करो जिसकी लाइफ में इससे चेंजेस आएंगे या उसे कोई एक आइडिया आएगा जिस आइडिया पे वो अपनी लाइफ नई स्टार्ट कर सकता है या अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या अपनी जॉब में आगे बढ़ सकता है because one conversation is enough to change an entire life of someone's family of someone as an individual or someone's country and that's what we need until next time keep figuring out <laughs>